गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों को पता है आज हम यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं? नहीं, मैं बताती हूँ। आज हमारे बीच में एक मेमोरी ट्रेनर आए हैं, भंवर सिंह शेखावत, जो आप लोगों को आपकी मेमोरी को शार्पन करने के लिए कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स बताएंगे, जिससे आपकी मेमोरी तो शार्प होगी होगी, साथ में आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो और बढ़ेगा। ठीक है, जो आपको आगे पढ़ाई करने में, किसी भी जो आपका लक्ष्य है उसको पाने में हेल्प करेगा। ठीक है, ओवर टू हिम। जय श्री कृष्णा। हाँ, लगना चाहिए ना कि किसी, मैं डिफेंस एकेडमी में हूँ। डिफेंस में जाकर जो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आता है डिसिप्लिन। अनुशासन नहीं है तो हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहला जो चाहिए वो सेल्फ डिसिप्लिन हो, खुद के साथ में अगर बोल दिया वैसे ही हम लोग उस चीज़ को फॉलो कर लें। तो मेरे ख्याल से दो चीज़ें होती हैं। देखिए, एक तो होता है सेल्फ डिसिप्लिन, जिसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। दो चीज़ें क्या आती हैं कि एक तो हमें कोई एकेडमिक कुछ पूछ ले, एकेडमिक में हम लोग नहीं बता पाते तो उसका मतलब है कि हमारे स्कूल में, हमारे कोचिंग में, यहाँ पर जहाँ पर हम लोग एकेडमिक सीख रहे हैं, यहाँ पर जब हम जहाँ पर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो उस जगह की कमी है। लेकिन जब संस्कारों की बात आए कि हम लोग कहना नहीं मानते, हम लोग सिस्टम से नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे परिवार से वो चीज़ें हम लोगों को नहीं मिली है। तो हम दो जगह, दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने स्कूल को भी और अपने परिवार को भी। एकेडमिक में हम लोग अपने स्कूल को करते हैं, संस्कारों को लेकर हम लोग अपने परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आगे से जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आए तो हम लोगों को ऐसा नहीं हो कि हमने अपने परिवार से कुछ सीखा नहीं है, वो आगे से आगे हम लोग उसमें बेटर करने की कोशिश करेंगे। वैसे ये बताया कि मैं मेमोरी ट्रेनिंग देता हूँ और नाम भंवर सिंह शेखावत है। तो मेमोरी ट्रेनिंग को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले कुछ क्वेश्चंस मेरे आप लोगों के साथ में रहेंगे। कितने लोगों को ये लगता है कि सर हम पढ़ते तो खूब है लेकिन बाद में भूल जाते हैं? आप अपना हाथ ऊपर करके बता सकते हैं। नहीं, कई लोग उपरात नहीं करते, बोले पढ़ते ही नहीं है, भूलेंगे कहाँ से भाई? कई लोग उपरात नहीं करते, चलो हैंड्स डाउन कर लो। नहीं, कई लोग ऊपर आते इसलिए नहीं करते ना, बोले सर पढ़ते नहीं, भूलेंगे कहाँ से भाई? भूलने के लिए पहले पढ़ना भी तो जरूरी है। और कुछ लोग वो होते हैं जो दो दो ऊपर आते करते हैं, बोले सर पढ़ते कम और भूलते ज्यादा है। चलो, कई बार आपके साथ में ऐसा कभी हुआ है क्या कि मम्मा ने किचन से कोई सामान मंगवाया हो, हम लोग किचन में जाके भूल गए क्या मंगवाया था? ये ऑलमोस्ट हम लोगों के साथ में होता है। या फिर कई बार ऐसा भी हुआ हो, किचन में गए, मम्मी ने नमक की डिब्बी मंगवाई थी, पूरे किचन में ढूंढ रहे नमक की डिब्बी नहीं मिलती हम लोगों को, तो मम्मी आके बोलती है सामने पड़ी है, चश्मा लगवाना पड़ेगा तेरे। या फिर जो सबसे बड़ी जो हम लोगों के साथ में एक डिफिकल्ट सिचुएशन आती है वो ये आती है कि एग्जाम में बैठे हम लोग और एग्जाम में हमें मौका सिर्फ एक बार मिलता है और कॉम्पिटिशन में तो एक ही बार मिलेगा। वहाँ पे किसी क्वेश्चन का देखा मुझे रहा, ये बहुत अच्छे से याद किया, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, उस टाइम उसका आंसर याद नहीं आता और क्लासरूम से जैसे बाहर आते हैं हम, उस क्वेश्चन का आंसर याद आ जाता है। और बाहर आने के बाद में याद आया तो इसका मतलब कितने नंबर गए? 3 नंबर, 2 नंबर या 1 नंबर जो भी था वो गया अपना। और अगर वही क्वेश्चन का आंसर क्लासरूम के अंदर याद आ जाता तो शायद 1-2 नंबर अपने और एक्स्ट्रा आते। ये सिचुएशन हर एक व्यक्ति के साथ में, ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़ते हो और आप लोग ही भूलते हो, ये मेरे साथ में भी होता है और हर स्कूल में हर एक स्टूडेंट के साथ में ऐसा होता है। क्यों? कभी इस चीज़ पर अपन ने कभी नोटिस किया कि ऐसा क्यों होता है? कि बीमारी तो नहीं भाई, कोरोना वायरस थोड़ी है कि भाई सांसों से फैल रहा हो, ठीक है, पास आने से फैल रहा हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर हर एक स्टूडेंट इस बीमारी से चल रहा है, यानी कि वो पढ़ के भूल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने एजुकेशन सिस्टम में कमी है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, पढ़ते बाद में भूल जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि हम लोगों को एक चीज़ सिखाई गई स्कूल में, हाउ टू राइट और हाउ टू रीड, हम लोग लिखें कैसे और हम लोग पढ़ें कैसे, हम लोग एक्सपर्ट हैं, लेकिन हाउ टू रिमेंबर इट, हम लोग उसको याद कैसे करें, उन्हें किसी स्कूल में सिखाया जाता है ना किसी कोचिंग में सिखाया जाता है। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका छोटा भाई है जो थर्ड क्लास में पढ़ता हो और आपको आके कहे कि भैया मुझे 17 का टेबल नहीं आता, तो पहले तो जोड़ जुड़ा के हम लिख के देंगे उसको, क्यों आता अपन को भी नहीं है, ठीक है? और उसको लिख के देने के बाद में क्या कहेंगे कि इसे मैंने एक बार मैंने लिख दिया तो 10 बार तू लिख, ये तुझे याद हो जाएगा। क्यों? ऐसे ही हम लोगों ने भी किया था स्कूल में, ऐसे ही तो किया था ना अपने 17 का टेबल याद किया हो, कि एक बार मैम ने या सर ने लिख के दे दिया, फिर 10 बार हमने उसको लिखा था। तो हमने उसको याद नहीं करवाया, हमने उसको बार बार लिखवाया उसको, और उसको 10 बार लिखने से याद नहीं हुआ तो उसको कहेंगे स्टूल पे बैठ और 10 बार जोर से बोल बोल के पढ़, ये तुझे याद हो जाएगा। ये बताते हैं हमने, उसने पूछा कि मैं याद कैसे करूं, हमने इसको सजेस्ट क्या किया लिखने के लिए
और पढ़ने के लिए उसको सजेशन ये नहीं दिया कि तुम उसको याद कैसे करोगे। एंड सेकंड, ब्रेन की प्रोग्रामिंग, ये तो पढ़ने का तरीका था, दूसरा हमने ब्रेन को प्रोग्राम कैसे किया है। एक्चुअली में हम लोग पढ़ते हैं नंबर्स के लिए। आज भी अगर आप लोग पढ़ रहे हो, हम लोग किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, तो क्या आता है कि बोले पिछली बार मेरिट कितनी गई थी, बोलते 75, बोले इस बार 80 जा सकती है, तो अपने दिमाग में टारगेट कहाँ का रहेगा, 80 का, हमें 80% के लिए पढ़ना है। अगर मुझे एक बात बताएं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके 10th क्लास में 90% नंबर आए थे, उसे सेम पेपर कोई भी एक क्वेश्चन भी चेंज नहीं होता, और वही पेपर उसे 2 महीने बाद में दिए जाएं, तो क्या हो, क्या उसके 90% नंबर आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं एग्जाम में पास होने के लिए। हम लोग हमेशा एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ते हैं, कैसे, कि कोई भी पेपर हम लोगों को मिला या कोई एग्जाम होने वाली है हम लोगों को, तो उसको बार बार किस लिए पढ़ेंगे, ताकि हम लोग एग्जाम में पास हो जाए। जैसे हम लोग पास उस एग्जाम को देते हैं, तो एग्जाम को हम लोग बर्डन मान के चलते हैं, मतलब पढ़ाई सभी को बोझ लगती है। और जैसे ही एग्जाम होते हैं ना, तब लोगों को लगता है हम, अब रिलीफ मिल गया अपन को, और जैसे रिलीफ मोड में आते हो, आप लोग उन चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देते हो, नई एग्जाम, नई क्लास, नई तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उसी तरीके के लिए, उसी चीज़ के लिए पढ़ते हैं कि हम लोग कैसे भी करके पास हो जाएं। तो अब हम लोगों को थोड़ी सी टेक्निक चेंज करनी है, पढ़ना वैसे ही जैसे चल रहा था, लेकिन आज के बाद में पढ़ते वक्त अगर आपके दिमाग में ये कहीं पर थॉट चलता है ना कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरी पूरी ज़िंदगी काम में आएगा, सिर्फ एक थॉट अपने दिमाग में ये चले, तो ब्रेन उस चीज़ को जिंदगी भर के लिए स्टोर करके रखेगा। और कैसे, एक एग्जांपल से समझो आप, बस में ट्रेवलिंग सभी लोगों ने की है, यात्रा सभी लोगों ने की है, कभी दिमाग में ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया कि कंडक्टर किराया क्यों नहीं भूलता? भाई बस के अंदर 100 सवारी बैठी है और आप उसको ये बोल दो कि भाई साहब मुझे जयपुर जाते जगा देना आप, ठीक है, तो वो जयपुर में जिस पर्टिकुलर आपने बस स्टैंड का कहा, वहाँ पे बस को रोक के और आपको आके जगाएगा कि भाई साहब आपका स्टैंड आ गया, उतर जाओ। या फिर गांवों के अंदर जब अपन लोग आते हैं तो बस ऊपर से नीचे से ओवरलोड होती है, और उसको ये बोल दे कि भाई साहब पॉकेट में हाथ डालने के लिए जगह नहीं है बस के अंदर, मैं किराया तुझे उतर के दूंगा, तो उतरते वो पूछ लेता ना, लाओ किराया दे के जाओ। या उसको हमने एक्स्ट्रा दिया होता है, एक्स्ट्रा दे रखे होते हैं उसको, तो भी उसको याद रहेगा कि आपने 100 दिए थे कि 500 दिए थे, लेकिन वो कितनी देर के लिए याद रखता है? अगर बस सीकर से जयपुर तक जा रही है वो जयपुर तक याद रखेगा, पर बस अगर सीकर से राणोली तक जा रही है तो वो वहाँ तक याद रखेगा। जैसे बस से सारी सवारियाँ उतरी, वो पिछले सारे डाटा को डिलीट कर देता है, नए सिरे से नई चीज़ों को याद रखना स्टार्ट करता है, यही तो होता है। अगर उसे 3 दिन बाद में पूछा जाए वो नहीं बता पाएगा। सेम वे वही सिचुएशन हम अपने साथ में भी लागू करते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं 6th में 7th में 8th में 9th में 10th में, सारी चीज़ें अगर जब आप कॉम्पिटिशन में जाते हैं ना, वही सारी चीज़ें वापस से रिपीट होती हैं, अलग से कुछ नहीं आता। सिर्फ हो सकता है करंट जीके को छोड़ दिया जाए, बाकी सारी चीज़ें वही पूछी जाती है जो हमने 12th क्लास तक पढ़ी हुई होती हैं, लेकिन उसके बाद में हम लोग फिर से पैसा भी देते हैं, टाइम भी देते हैं और स्ट्रेस भी लेते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसी टेक्निक काम में ली जाए कि एक बार पढ़े और पढ़ते ही हम लोगों को याद हो जाए, तो कम से कम दोबारा मेहनत तो नहीं करनी पड़े, दोबारा से पैसे नहीं देने पड़े और दोबारा से स्ट्रेस नहीं लेना पड़े। तो इसके लिए पढ़ने की कुछ टेक्निक्स आएंगी जिसे कहा जाता है साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, यानी कि विज्ञान सभी लोग पढ़ते हैं लेकिन विज्ञान से कोई भी नहीं पढ़ता, तो विज्ञान से कैसे पढ़ें हम लोग? तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा अपने ब्रेन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, जो समझते हैं, कहाँ पर स्टोर होता है? अपने ब्रेन में स्टोर होता है, और एक पावरफुल मशीनरी अपने पास में है, लेकिन उसको काम में कैसे लें? यहां से अपने कुछ क्वेश्चंस भी स्टार्ट होंगे, हो सकता है उन क्वेश्चन के आंसर आप गलत भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सभी लोगों को देने हैं, यहां की बात नहीं है, चाहे क्लासरूम की बात हो, चाहे अपन लोग कहीं पे भी, अपन जहां पर भी हम लोग सीखने के लिए जाते हैं, तो क्वेश्चन के आंसर आप हमेशा दो, तो दो ही होते हैं, या तो आपका क्वेश्चन सही होगा या फिर गलत होगा। सही होता है बहुत अच्छी बात है कि वो हम लोगों को आता था, गलत हो गया और भी अच्छी बात है, कैसे, कि जो चीज़ हम लोग अपने दिमाग में लेके बैठे थे ना वो गलत थी, वो वहाँ से रिमूव होगी और राइट चीज़ उसकी जगह आ जाएगी। इसलिए कभी भी नोटिस कर लेना आप लोग, हमें एग्जाम में कितने क्वेश्चन अपने सही हुए थे कभी याद नहीं रहते, लेकिन किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दे के आए और बाहर आते अपने किसी दोस्त ने बता दिया ना कि इसका आंसर ये नहीं ये होता, वो हम लोग जिंदगी में कभी नहीं भूलते, याद रहता कि मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत किया था। उन्हीं चीज़ों का आप अप्लाई करना सीखो ना, पर्टिकुलर छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों का अपने ऊपर आप लोग अप्लाई करना सीखें। तो ब्रेन में जो सेल्स होते हैं जहाँ पर सारी सूचनाएं स्टोर होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? पेपर पढ़ते हैं सभी लोग, पेपर में न्यूरॉन्स, कभी नाम आपने सुना हो, पढ़ा हो, ठीक है, ये कहा जाता है एक आदमी के दिमाग में एवरेज 10,000 करोड़ के आसपास में न्यूरॉन्स होते हैं। मधुमक्खी सभी लोगों ने देखी होगी और हो सकता है किसी को काटा भी हो। मधुमक्खी के दिमाग में ये कहा जाता है कि 6,000 न्यूरॉन्स को वो काम में लेती है, जब वो 6,000 को काम में लेती है और जब वो 6,000 को काम में लेती है तो अपने घर को, उस मधुमक्खी का जो छाता होता है उसको देखा होगा कभी आपने, घर जो वो बनाती है, एक तो वो बिल्कुल यू शेप में मिलेगा आपको हमेशा, और उसके जितने छेद होते हैं सारे के सारे इक्वल होते हैं,
तब ये देखो कि जब वो 6000 को काम में लेके अपने घर को बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकती है, हमारे पास में तो 10,000 करोड़ है, हम लोग क्या नहीं कर सकते? हम भी अपने लाइफ को बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन उसे काम में लें कैसे? और ये कहा जाता है कि जब एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से संपर्क स्थापित करता है, मतलब हम लोग अपने ब्रेन को कुछ भी पूछते हैं तो सूचना अंदर से ढूंढी जाती है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को वो जो सूचना है वो ट्रांसफर करता है, नॉलेज आगे ट्रांसफर करता है कैसे? जब अब जैसे हम लोग कंप्यूटर से अगर कोई चीज़ें अपन को लेनी हो तो उसे पेन ड्राइव लगा के लेते हैं, सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं, तो न्यूरॉन्स भी एक जगह से दूसरी जगह पर सूचनाओं को भेजता है और उसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है डेंड्राइट, यानी एक टाइम में एक न्यूरॉन 1,00,000 न्यूरॉन से कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब अपने दिमाग में कनेक्शंस कितने बनते हैं? 10,000 करोड़ गुणा 1,00,000, ये वन टाइम में अपने दिमाग में कनेक्शंस बनते हैं। और हम लोग ये मान के चले कि दो कनेक्शंस आपस में जुड़ने में बीच में छोटी से छोटी वायरिंग भी काम में आए, तो अपने दिमाग में इतनी लंबी वायरिंग होती है कि पूरे धरती के 4 चक्कर लगाए जा सकें। वही पावरफुल ब्रेन मेरे पास में और वही पावरफुल ब्रेन मेरे सामने बैठे हुए एक स्टूडेंट के पास में, प्रॉब्लम क्या हम लोगों को पता ही नहीं है। भाई मार्केट से जब एक वॉशिंग मशीन लेके आते हैं ना, उसके साथ में छोटी सी बुक आती है, पानी कितना डालना है, कैसे डालना है, कैसे वॉशिंग मशीन चलेगी, खराब हो जाए तो कौन इसको मिस्त्री ठीक करेगा? दिमाग के साथ में ऐसी कोई बुक आई है क्या कि ये खराब हो जाए? अपन बोलते हैं दिमाग खराब हो गया मेरा, तो उसको खोल के देखा जा सकता है कहाँ पे खराबी है? वर्ड तो यूज़ करते हैं हम लोग, ये दिमाग खराब मत कर मेरा करते हैं। तो वॉशिंग मशीन के लिए हम लोगों को बताया जाता है, तो सेम वे ब्रेन के बारे में भी अपने दोस्त बताते हैं, अपने टीचर्स बताते हैं कि इसको हम लोग कैसे काम में लें। और अगर मेमोरी की बात करें, काफ़ी सारे स्टूडेंट की शिकायत भी आती है, बोल सर 6 घंटे पढ़ लिया और नहीं पढ़ा जाएगा, भाई दिमाग ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। अगर इसकी मेमोरी की बात करें तो कई 1,000 लाइब्रेरी विथ पेज अपने दिमाग में स्टोर हो सकती है, यानी एक न्यूरॉन की जो कैपेसिटी है ना वो मानी गई है 1 GB मेमोरी कार्ड के बराबर। और 1 GB मेमोरी कितने डाटा आते हैं सभी लोगों को पता है। तो अब इस ब्रेन को काम में कैसे लें? भाई पावरफुल ब्रेन चलो मेरे पास में आपके पास में भी है, इसको काम में कैसे लें? तो ब्रेन साइंटिफिक तरीके से चीजों को एक्सेप्ट करता है, तो ये 4 स्टेप में चीजें अपने ब्रेन के पास में पहुंचती है। 4 स्टेप कौन सी होती है? सबसे पहली स्टेप जिसे कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि हम उन्हीं चीजों को याद कर सकते हैं जिन चीजों को हम लोग पहचान सकते हैं, जिस चीजों को हम लोग पहचान नहीं सकते उन चीजों को हम लोग कभी याद भी नहीं कर सकते। मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, समझ में आ रहा है? इंग्लिश में बताता हूँ, हो सकता है आधा अधूरा समझ में आ जाता, लेकिन तमिल कन्नड़ या और कोई लैंग्वेज होती तब क्या होता? तब बातें इधर से आके इधर से वापस निकल जाती। क्यों? क्योंकि ब्रेन उसको एक्सेप्ट तो करता लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, और आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तो उसको अंदर स्टोर भी नहीं होती वो सारी चीज़ें। भाई हम लोग टीवी सभी लोग देखते होंगे, बॉलीवुड की मूवी हो हम लोगों को समझ में आती है आराम से, लेकिन वही कोई साउथ की मूवी हो तो अगर लैंग्वेज उसकी हिंदी नहीं है हम लोग कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो हम उसके बाद में स्टोरी भी नहीं बता सकते। तो ब्रेन उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा जिसको वो आइडेंटिफाई कर सकता है। अब आइडेंटिफिकेशन को हम लोग पढ़ाई में कैसे जोड़ें? भाई जिस चीज़ को आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे ना उसी चीज़ को आप याद कर पाओगे। और अब इस पढ़ाई में इसको कैसे जोड़ा जाए? तो आप में से न्यूज़पेपर सभी लोग पढ़ते होंगे, आपने कभी ये नोटिस किया है पढ़ा हुआ न्यूज़पेपर हम लोगों को अगर 3 दिन बाद में या 3 महीने बाद में भी दिया जाए तो उसके एक न्यूज़ पढ़ते बता देंगे ये मेरा पढ़ा हुआ है। न्यूज़पेपर को हम कभी याद करने के लिए नहीं पढ़ते, लेकिन जैसे वो हाथ में आएगा उसमें से एक न्यूज़ पढ़ते हम लोग बता देंगे, जबकि सब्जेक्ट कंटेंट को हम पता नहीं कितनी बार रट्टा मारते हैं उसका। लेकिन जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लेना सर, तो उसको बोलते हैं सर को क्या बोलते हैं कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया आपने, था ही नहीं किताब के अंदर, 20 बार पढ़ाओ तभी ये दिक्कत आती है। तो आप लोग अगर ये चाहते हैं कि आपको कोई चीज़ें 20 गुना ज़्यादा स्पीड से समझ में आए, एक छोटा सा रूल अपने साथ में अप्लाई कर लो कि जो चीज़ें आपको नेक्स्ट डे पढ़ाई जानी हो, जो टॉपिक हम लोग जिन टॉपिक की तैयारी करने वाले हों नेक्स्ट डे, उसे आप लोग वैसे पढ़ें जैसे हम लोग न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, और पढ़ाने से पहले 2 बार उसको न्यूज़पेपर की तरह आप लोग रीड कर लें। 2 बार अगर आपने लाइटली न्यूज़पेपर को कभी स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ते, हम लोग न्यूज़पेपर को सिर्फ पढ़ते हैं नॉलेज के लिए, सेम वे वैसे हम लोगों को पढ़ना लाइटली पढ़ना है। और उसके बाद में क्या होगा पता है कि जब वही टॉपिक आप दोबारा से उसको समझने की कोशिश करोगे आपको 20 गुना ज़्यादा स्पीड से समझ में आएगा। अब बड़ी चीज़ें नहीं है ये, छोटी सी चीज़ है, लेकिन अप्लाई हम लोगों को करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अपने पास ये सारी चीज़ें हैं लेकिन टाइम नहीं है कि उसमें से निकाले कहाँ पे। तो टाइम हम लोग बाद में निकालते हैं, इसको 20 बार पढ़ने के लिए निकालते हैं, उससे अच्छा कि 2 बार पहले निकाल लिया जाए तो अपना टाइम भी बचेगा और अपनी स्पीड भी बढ़ेगी। तो पहला तो आता है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा आता है उससे कहा जाता है मेमोरी ट्रेस, मतलब कि आप लोगों को जो पढ़ाया जाना है आप लोग घर पर पढ़ के भी आ गए, आपने 2 बार लाइटली पढ़ भी रखा, अब हम लोग क्लास में बैठे हैं सर या मैम सामने हम लोगों को पढ़ा रहे होते हैं, अब वहाँ पर मेमोरी ट्रेस मतलब
कि अपने 500 सेंसेज उसमें हेल्प करेंगे। आप लोग घर से पढ़ के आए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर क्लास के अंदर जब हम लोग बैठे और उन चीज़ों को समझने के लिए फिर हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला होता है अपना कॉन्सेंट्रेट और दूसरा होता है अपना इन्वॉल्वमेंट। कॉन्सेंट्रेट मतलब अपना एकाग्रता और इन्वॉल्वमेंट मतलब अपनी भागीदारी। अगर हम लोग क्लास में एकाग्र नहीं है, अपना ध्यान एक जगह पे नहीं है, तो चीज़ें हम लोगों को समझ में नहीं आनी। क्लास में सर या मैम सामने पढ़ा रहे होते हैं और हम लोग अपने बेंच पे बैठिए सोच रहे होते हैं मतलब कोहली को आज पहले बैटिंग करनी चाहिए कि फील्डिंग करनी चाहिए, दिमाग वहाँ पर रहेगा तो कान अपना काम करेंगे, आवाज़ को लेंगे, ब्रेन को दे देंगे, लेकिन ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझो। कभी आपने नोटिस किया हो किसी व्यक्ति को आपने टाइम पूछा, रास्ता पूछा, वो व्यक्ति किसी से फ़ोन पर बात कर रहा हो, आप उसे टाइम पूछ लो या उसे कोई रास्ता पूछ लो, वो आपको नहीं बताएगा। जब वो फ़ोन डिस्कनेक्ट करेगा फिर आपसे पूछेगा क्या पूछा था आपने मुझसे। जब वो मोबाइल से एक कान से दूसरे वाले व्यक्ति की बात सुन सकता था तो दूसरे वाले कान से अपनी बात भी सुननी चाहिए थी। क्यों नहीं सुन पाया वो? क्योंकि उसका ध्यान किसी और जगह पर था। तो हम लोग शरीर से तो वहाँ पर होते हैं लेकिन मन से अगर वहाँ पर नहीं होंगे, अपना मन किसी दूसरी जगह पर होगा, तो वो चीज़ें हम लोगों को समझ में नहीं आनी, क्यों, ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो क्लास में इन्वॉल्वमेंट कॉन्सेंट्रेट कैसे हो, एकाग्रता कैसे हो? तो एकाग्रता का सिंपल सा तरीका, आपके बैठने का तरीका एकाग्रता को कम करेगा या ज्यादा करेगा। हम लोग अपने टेबल पे थोड़ा सा हल्का सा आगे झुक के बैठते हैं, अपने बेंच पे आगे हल्का सा झुकाव, तो आपके कॉन्सेंट्रेट लेवल को है वो बढ़ाएगा। और अगर आप लोग पीछे की तरफ थोड़ा सा झुकते हो, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलता कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, नहीं, कोई मतलब नहीं उससे, आगे की तरफ हल्का सा झुकाव आपके कॉन्सेंट्रेट लेवल को वो बढ़ाता है। दूसरा इन्वॉल्वमेंट मतलब आप लोगों की भागीदारी उसके अंदर हो, चाहे भागीदारी कहीं पे भी हो, जब हम लोग उसके अंदर होंगे मन से भी और शरीर से भी, तभी जाके वो चीज़ें हम लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। कैसे, एग्जांपल से समझा दें आपको। दोस्तों की शादी का एल्बम सभी लोगों ने देखा होगा, देखा है क्या कभी, या दोस्तों की शादी नहीं हुई अभी तक? नहीं हुई। चलो चाचा का, मौसी का देखा कभी शादी का एल्बम? ठीक है, जब हम लोग शादी का एल्बम देखते हैं, कोई मैं अपना दोस्त पूछ ले या फिर परिवार में पूछ लें कि आपकी कितनी फ़ोटो, हम लोग बता देंगे उसके अंदर मेरी कितनी फ़ोटो हैं, और हम ये भी बता देंगे मेरी आंखें खुली थी कि उसके अंदर बंद थी, मेरे अड़ोस पड़ोस में कौन खड़ा था, सब चीज़ें बता सकते हैं कोई। लेकिन कोई हमें ये पूछ ले कि दूल्हे और दुल्हन की कितनी फ़ोटो हैं, वो बता सकते हैं हम लोग? नहीं बता सकते। एल्बम उनका है, पूरा देखा अपन लोगों ने, वो नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्यों? क्योंकि हमें वही चीज़ें याद होंगी जिसमें हम लोग हैं। अगर हम लोग नहीं होंगे वो चीज़ें हम लोगों को याद भी नहीं होंगी। तो क्लास में अगर हम लोग शरीर से बैठे और मन से नहीं है तब भी चीज़ें याद नहीं होनी, और मन से हो और तब आप लोगों का पता कैसे चलेगी वो चीज़ें हैं कि नहीं है? तो जब सर या मैम हमें पढ़ाए तब उन चीज़ों का आंसर आप आगे से आगे देने की कोशिश करो। मन के अंदर आगे से आगे आंसर दोगे तब वो चीज़ें आपके क्लियर होती चली जाएंगी। नंबर 3 आता है स्टोरेज, मतलब अब आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी है और कॉन्सेंट्रेट भी है और आप क्लास में मन लगा के पढ़े भी, अब आ गया दिमाग में, रखें कहाँ पर? अब सबसे पहली बात मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हमें कोई चीज़ क्लासरूम के अंदर याद नहीं आती, बाहर हम लोगों को याद आ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ? चीज़ों तो दिमाग में थी ना कहीं पे। भाई जो चीज़ मुझे क्लासरूम के अंदर याद नहीं आई वो बाहर भी याद नहीं आनी चाहिए बाद में। अगर मैं भूल गया तो भूल ही गया मैं उसको, अगर अब याद नहीं आई तो 2 घंटे बाद में भी याद नहीं आनी चाहिए। अगर 2 घंटे बाद में मुझे वो चीज़ याद आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दिमाग में तो कहीं पर थी लेकिन जब मुझे उसको रिकॉल करना था, जब मुझको याद करना था, तो मैं उसको नहीं कर पाया। ये तो है ना बात। तो इसका मतलब स्टोरेज अपन दिमाग में कहाँ पर रखें, जैसे हम लोगों को ज़रूरत पड़े वैसे हम लोग उसको ढूंढ सकें। तो ये मान के चले कि अपना जो ब्रेन है वो है किचन की तरह। अब किचन में अपन को चम्मच कटोरी प्लेट चाहिए कहाँ पर मिलेगी, या घर की तरह तो घर में अपन को चम्मच कटोरी प्लेट चाहिए कहाँ पर मिलेगी, किचन में। अपनी बुक्स चाहिए कहाँ पर मिलेगी, बैग में, हाँ कबर्ड में मिल सकते हैं, भाई बाहर नहीं निकाले तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आप लोग अपने किसी दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहे हो और आपकी मम्मी ने आपको एक ट्रे दी, बोले बेटा इसको रख के आ जाओ। ट्रे रखनी चाहिए किचन के अंदर लेकिन अपना पूरा का पूरा ध्यान मोबाइल के अंदर है, तो अपन सीधा गया अलमारी खोली, प्लेट को अलमारी के अंदर रख दिया, अलमारी बंद। 3 दिन बाद में घर पर गेस्ट आ गए तब ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी अपन को। ढूंढने के लिए जाएंगे तो कहाँ पर जाएंगे, किचन में जाएंगे कि अलमारी के पास में जाएंगे? किचन में जाएंगे क्योंकि ट्रे वहीं पे मिलनी चाहिए। ऊपर नीचे दाएं बाएं देखा तो ट्रे नहीं मिलेगी, तो ये डिसाइड होगा कि ट्रे गुम हो चुकी है। 3 दिन बाद में, 4 दिन बाद में जैसे अचानक से उस अलमारी को खोला जाएगा, ट्रे अपने सामने आ जाएगी। सेम वे वैसे ही होता है कि जब सूचनाओं को ब्रेन में स्टोर करते हैं तब उसको जहाँ पे आती है वहीं पे पटक देते हैं अपन लोग, जब ज़रूरत पड़ती है नहीं मिलती तो आइए आता है कि मैं उन चीज़ों को भूल चुका हूँ। रोजर स्पेरी नाम से एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने 22 साल रिसर्च की तब जाके पता चला उन्हें कि ब्रेन काम कैसे करता है, और उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अब जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला हो तो समझ सकते हो उसने रिसर्च कितनी बड़ी की होगी। तो उन्होंने रिसर्च की तब उन्होंने बताया था कि अपना ब्रेन वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, लेफ्ट
और राइट। लेफ्ट ब्रेन अपना लॉजिकल होगा, लॉजिकल मतलब जिसमें तर्क शक्ति होगी, करंट में जितने सारे थॉट चल रहे हैं सारे थॉट होंगे, जिसमें लॉजिकल जिसके अंदर या नंबर्स होंगे, वर्ड्स होंगे, और हर वो एक्टिविटी जो हमें बोर करती है हमारे लेफ्ट ब्रेन में जाती है। राइट ब्रेन अपना क्रिएटिव होगा, जिसमें कलर होंगे या फीलिंग्स जो होती है वो फीलिंग्स होगी उसके अंदर, जो अपना विजुअलाइजेशन पावर है वो होगा उसके अंदर, और हर वो एक्टिविटी जिसमें हम लोगों को मज़ा आता हो वो हमेशा राइट ब्रेन में जाती है। लेफ्ट ब्रेन की कैपेसिटी मानी गई सिर्फ 10% और राइट ब्रेन की कैपेसिटी मानी गई 90%। कुछ बच्चों को हंसी आ रही, बोले सर ये ऐसे वाले कौन से जुए वाली कहानी सुना रहे हैं? अच्छा सच्चाई पे असर है क्या? अच्छा, और कैसे मैं आपको एग्जांपल से बता सकता हूँ कि राइट ब्रेन में लेफ्ट ब्रेन में कितना डिफरेंट है? आप मुझे बता, ऐसी कोई मूवी आई थी क्या जिसमें आमिर खान ने क्रिकेट खेला हो? कौन सी थी? लगान। और ऐसी कोई मूवी थी जिसमें सनी देओल ने पाकिस्तान जाके हेडपम्प उखाड़ा हो? गदर। मतलब मेमोरी तो आप लोगों की खराब है नहीं भाई, कितने साल पहले मूवी देखी याद है अभी अपन लोगों को? चलो मुझे ये बताओ, जब हम लोग सिक्स क्लास में थे साइंस में पांचवा लेसन कौन सा था? वो छोड़ो, अब करंट में जो चल रहा है वहां पर भी नहीं पता अपन लोगों को, तो इसमें अपना दोष नहीं है। मूवी जो देखी थी वो तस्वीरों के माध्यम से राइट ब्रेन में सेव हो गई, कभी भी पूछ लो, नींद में जगा के पूछेंगे बता देंगे हम लोग। लेकिन जो पढ़ाई जो कर रहे थे ना वो लॉजिक के साथ में थी या फिर नंबर्स के साथ में थी या वर्ड्स के साथ में थी और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नहीं थी, तो कौन से वाले ब्रेन में गई? 10 वाले में। तो जो 10 GB में डाटा आते हैं कि 90 में आते हैं सभी लोगों को पता है, तो हमने क्या किया, हमने 10 GB को काम में लिया। पढ़ाई में 10 GB को काम में लेते हैं, मूवी देखने में 90 वाले को काम में लेते हैं, क्योंकि होना इसके अपोजिट चाहिए, होना इसके अपोजिट चाहिए। तो अब हम लोगों को ये सीखना है कि 90 वाले को 10 में कैसे करें, 10 वाले को 90 में कैसे करें। चीज़ों को अपने हिसाब से याद करना सीखो। हर व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर बहुत ईजी लगता है, आप उसे पूछो उसको याद कैसे करें, वो आपको सिंपल सी टेक्निक बता देगा। और ये ब्रेन के साथ में होता है, आप अपने ब्रेन को जितना पूछोगे आपको ये हमेशा उतना ही बताएगा। ये ब्रेन की सबसे बड़ी खास बात है, आप इसे जितना पूछोगे ये आपको हमेशा उतना ही बताता है। कैसे? एग्जाम्पल के साथ में समझें कि हम लोगों को एक नदी पार करनी हो, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? नाव की ज़रूरत पड़ेगी। और हम लोगों को एक बड़ा सा समुद्र पार करना हो, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? जहाज़ की ज़रूरत पड़ेगी। देखो दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो पानी के ही है, नदी में भी पानी होता है और समुद्र में भी पानी होता है। जबकि जब हमने ब्रेन को पूछा नदी पार करनी है तो बता दिया, बोले ये छोटी सी जगह है तो आपका नाव से काम चल जाएगा। लेकिन जैसे इसको ये पूछा बोले समुद्र पार करना हो तब क्या होगा, तो ब्रेन ने कैलकुलेशन करके बताया कि अब नाव से काम नहीं चलना। सेम वो अपने साथ में होता है कि आप ब्रेन को पूछोगे याद कैसे करना है, वो आपको तरीके बताएगा याद कैसे किए जाते हैं। और ये होगा ना, बोले ये याद नहीं होगा, तो ब्रेन आपको ये भी बताएगा कि आपको याद क्यों नहीं होगा। तो इन चीज़ों का फीलिंग्स के साथ में कन्वर्ट कर सकते हो, कहानियों के साथ में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक, किसी लॉजिक के साथ में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप उसको कन्वर्ट करना सीख गए वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी वजह से हम लोगों को जोक्स याद हो जाते हैं, क्यों? इनलॉजिकल होते हैं जोक्स, भाई चुटकले एक बार किसी ने सुना दिया हमेशा के लिए याद हो जाता अपन लोगों को, ठीक है, तो उसमें बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तरीका उसका वैसा ही है। तो यही तरीका हम लोग अपने पढ़ाई के लिए भी काम में लें, फीलिंग्स के साथ में जो चीज़ें जुड़ जाएँ वो चीज़ें हमेशा हम लोगों को याद हो जाती है। भाई अपन लोगों को याद नहीं होगा ना कि कौन सा पेन कौन सी वाली दुकान से खरीदा था, कितने तारीख को खरीदा था, लेकिन हमें कोई पेन कभी प्राइज में मिला हो आज भी याद है कि कौन से वाले गाने के लिए मिला हो, कौन से वाले इवेंट के लिए मिला हो, कौन से वाले सरिया मैम ने दिया हो। और अगर उसको पेन को कोई तोड़ भी दे तब भी याद रहेगा किसने उस पेन को तोड़ा था, बाकी कितनी बार पेन टूटते हैं अपने, क्यों? क्योंकि किसके साथ में जुड़ा था, वो फीलिंग के साथ में जुड़ा था। तो ऐसी चीज़ों को आप लोग कन्वर्ट करना सीखे। और सबसे लास्ट आता है जिसे कहा जाता है रिकॉल, मतलब जो पढ़ा जो सीखा जो समझा वो ब्रेन में स्टोर किया, जब ज़रूरत पड़ी तो उसको रिकॉल कैसे किया जाए। तो रोजर स्पेरी को 22 साल लगे उन चीज़ों को ढूंढने में, और अपने पूर्वजों ने आज से हमें हजारों साल पहले बता दिया था कि चीज़ों को रिकॉल कैसे किया जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ाई की देवी किसको माना है? माता सरस्वती जी को माना है। अब माता सरस्वती जी को माना हमने पढ़ाई की दी, तो बोल के तो कुछ बता नहीं सकते ना अपन लोगों को। अब उनके फोटो आप लोगों ने देखी होगी, फोटो देखी है क्या कभी? उनके हाथों में क्या क्या है बता दें आप मुझे। वीणा है और माला है और वेद है, पुस्तक और वेद एक ही होते हैं, पुष्प नहीं होते। उनके एक हाथ में माला है, एक हाथ में किताब है और दो हाथों में वीणा है, यही होते हैं बस, चार हाथ हो गए बिजी उनके। हम लोगों की एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है वो बताता हूँ। हम लोगों को अपने टीचर्स क्या बताना चाहते हैं कोई मतलब नहीं है।
अपने घर वाले हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, हम लोग हमेशा वही सीखते हैं जो हम लोगों को अच्छा लगता है। कैसे क्या हुआ, कोई एक छोटा बच्चा था करीब 5 या 6 साल के आसपास, और तोड़ फोड़ एक्सप्रेस बच्चा था वो। तोड़ फोड़ एक्सप्रेस बच्चे का मतलब समझते होंगे आप, घर में जैसे ही घुसा बैग को घुमा के बैग को फेंका जोर से, ठीक है, गिलास सामने दिया तो लात मार दिया उसके, तो उधर से मम्मी स्टार्ट हो जाती उसके लिए, भाई बच्चे का घर में इंटर होना होता और मम्मी उधर से चालू हो जाती, ठीक है, कि बेटा कम से कम नुकसान करे। भाई स्वाभाविक सी चीज़ है, अगर कोई बच्चा महाशैतान हो तो ये होना है, या तो घर पे जाते 2-4 थप्पड़ पड़ जाए ताकि कम से कम शांति रहे। एक दिन क्या हुआ, बेटा घर में घुस के उसने जोर से घुमा के बैग फेंका, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आई, तो उसको लगा बोले ये क्या हुआ आज। भाई अपने साथ में भी ऐसे ही, मम्मी रोजाना डांटती, एक दिन नहीं डांटे तो जाके पूछना पड़ता, बोले मम्मी तबीयत तो ठीक है ना आज, तो उस बेटे को भी टेंशन, बोले ये क्या हुआ, बोले कोई आवाज कैसे नहीं आई, तो उसने बैग जो फेंका था उसको उठा के सही रखा, बोले मम्मा कहाँ पर हो, एकदम साइलेंट कोई आवाज नहीं, तो बेचारे को थोड़ी टेंशन हो गई, बोले ये क्या, बोले मम्मी कहीं पे गिर तो नहीं गई, कहीं बीमार तो नहीं हो गई, तो सीधा किचन में पहुंचा, वहां से पानी का गिलास लिया, बोले मम्मा कहाँ पर हो, कहाँ पर हो, कहाँ पर हो, ढूंढता सबसे देखता, सबसे लास्ट रूम में पहुंचा, मम्मी ड्रेसिंग टेबल के सामने बड़ी सीरियस होकर बैठी है और सर में से ना व्हाइट बाल उखाड़ रही है। तो छोटा बच्चा था, दिमाग में क्वेश्चन आ गए, बोले मम्मा एक बात बताओ, आपके बाल सफेद कैसे हुए, तो मम्मी को लगा बोले आज अच्छा मौका है। भाई अपन भी किसी से कोई चीज़ पूछते हैं ना, तो अगले के पास जितना ज्ञान होता है सारा हमको दे दिया जाता है, जैसे मैं दे रहा हूँ अभी आप लोगों को। तो वैसे ही मम्मी को लगा बोले आज अच्छा मौका, बेटे को समझा देते हैं, तो बोले एक काम कर बेटा, पानी का गिलास तो मुझे इधर, चेयर लेके आ, इधर चेयर पे बैठा, बोले देख बेटा बात ऐसी है कि जब तू बाहर किसी की पिटाई करके आता है मेरा एक बाल सफ़ेद हो जाता है, जब तू मेरा कहना नहीं मानता मेरा एक बाल सफ़ेद हो जाता है, जब भी तू मुझे परेशान करता है मेरा एक बाल सफ़ेद हो जाता है, जब भी तू एक सामान तोड़ता है मेरा एक बाल सफ़ेद हो जाता है। तो बेटे ने गर्दन हिलाई, बोले मम्मा मैं समझ गया। तो मम्मी को सुकून मिला कि बेटा समझ गया था, क्या नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, शरारती नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी छोटा बेटा तो ये नहीं चाहेगा, आप तो चाह सकते हो बोले सफ़ेद हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन छोटा बेटा कभी ये नहीं चाहेगा कि मम्मी के बाल सफ़ेद हो जाए। तो उसने कहा, बेटे का, बोले मम्मा मैं समझ गया। मम्मी ने कहा शाबाश, बोले क्या समझे, बोले मम्मा मैं समझ गया कि मेरी नानी के सारे बाल सफ़ेद कैसे थे। तो मम्मी उसको समझाना चाहती थी क्या, मम्मी कुछ और समझाना चाहती थी, बेटा कुछ और समझ रहा था। वही अपने साथ में भी होता है कि सर या मैम कुछ भी बताएं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, सीखेंगे हम वही जो हम लोग सीखना चाहते हैं, अपने पहले के अनुभव काम में लेते हैं। तो वैसे माता सरस्वती जी हम लोगों को बोल के नहीं बता सकते कि मैं आपको क्या मैसेज देना चाहती हूँ, उनके मैसेज को हम लोग सिंपल सा समझते हैं। सिंपल सा कैसे समझते हैं, उनके एक हाथों में माला है, माला का मतलब कॉन्सेंट्रेट, अपने बड़े बुजुर्ग माला घुमाते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, मतलब ध्यान एक जगह लगाइए आप। एक हाथ में उनके पुस्तक है, पुस्तक मतलब कौन सा वाला, ब्लेंड इंटरेस्टिंग वाला है बोरिंग वाला, बोरिंग वाला। एक हाथ में पुस्तक है मतलब लेफ्ट ब्रेन, पढ़ाई, पढ़ाई किस में जाएगी, लेफ्ट ब्रेन में जाएगी। और दो हाथों में वीणा है, वीणा मतलब म्यूजिक, लेफ्ट ब्रेन की राइट ब्रेन, राइट ब्रेन। तो उनका एक सिंपल सा मैसेज था कि जितना आप अपने लेफ्ट ब्रेन को काम में लेते हैं उससे जस्ट डबल आप राइट ब्रेन को काम में लीजिए, और थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट कीजिए तो चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। और ये था दुनिया का सबसे सरल काम कि ऐसे ऐसे करोगे ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन क्या रियल में ऐसा होता है, उसका एक छोटा सा डेमो, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस के आंसर।